हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 6 हाउस इज अ मस्ट जो पढ़ चुके थे उसका पीछे पेज 34 में जो एक्सरसाइजेस है या समथिंग टू डू है वो मनाने जा रहे हैं। आप यहाँ देखिए, 1 विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इसका अर्थ ये है कि यहाँ हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको हेल्प बॉक्स के मदद से भरना है ब्लैंक्स को। तो हम लोग शुरू करते हैं ब्लैंक्स को भरना। ए हाउस इज अ डैश व्हेन अ फैमिली लिव्स इन इट। एक घर डैश तब बनता है जब उसमें परिवार रहते हैं। तो यहाँ पे फ्लैट होगा या होम होगा या प्रोटेक्ट होगा या कैरेवन होगा। तो बच्चों, हम लोग लेसन में पढ़े थे कि हाउस जो है वो होम तब बनता है जब उसमें फैमिली रहती है। तो यहाँ पर होम लिखेंगे। नेक्स्ट है, अ हाउस ऑन व्हील्स इज कॉल्ड अ डैश। कोई भी घर जो पहिया पर रहता है, वैसे तो पहिया पर जो रहता है वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। तो वैसे तीन तरह के हाउस होते हैं, एक हाउस बोट, एक टेंट और एक कैरावान। कैरावान में व्हील्स लगा होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैरावान वर्ड है या नहीं। फ्लैट प्रोटेक्ट कैरावान, कैरावान वर्ड है इसलिए यहाँ पर कैरावान होगा। CARAVAN कैरावान। उसके बाद सी में हम लोग देखते हैं हाउसेस इन वार्म प्लेसेस हैव डैश रूफ्स। गर्म जगह पर जो हाउसेस बना रहता है उसका रूफ कैसा होता है, बताइए बच्चों। रूफ कैसा होता है, लेसन में हम लोग पढ़े थे समतल होता है। समतल को इंग्लिश में फ्लैट कहते हैं। तो यहाँ पर FLAT फ्लैट लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्लैट लिखेंगे, फ्लैट रूफ्स। उसके बाद डी, अ हाउस डैश अस फ्रॉम कोल्ड। ए हाउस डैश अस फ्रॉम कोल्ड। एक घर हम लोग को कोल्ड से डैश करता है। एक घर हम लोग को ठंड से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ऐसा हम लोग लेसन में पढ़े थे कि घर हम लोगों को कोल्ड से बचाता है। तो यहाँ पर लास्ट में प्रोटेक्ट लिखेंगे, PROTECTS प्रोटेक्ट। सेकेंड, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। प्रत्येक स्टेटमेंट जो नीचे दिया हुआ है 4, उसको पढ़ना है और बताना है वो सही है या गलत है। ट्रू मीन्स सही और फॉल्स मीन्स गलत। तो ए, हम लोग क्या करते हैं, हाउसेस डू नॉट कीप अस सेफ। घर हम लोगों को सुरक्षित नहीं रखता। क्या घर हम लोग को सुरक्षित नहीं रखता है, ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि हम लोग लेसन में पढ़े थे, घर हम लोगों को सुरक्षित रखता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि घर हम लोगों को सुरक्षित नहीं रखता, यहाँ पर ये फॉल्स होगा, FALSE फॉल्स। उसके बाद बी, वी ऑल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। हम लोग सब विभिन्न प्रकार के घरों में रहते हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। हम लोग लेसन में भी पढ़े थे कि घर कई तरह के होते हैं और हम लोग विभिन्न प्रकार के घरों में रहते हैं। ये ट्रू होगा, TRUE ट्रू मीन्स सही। अब यहाँ पर देखते हैं,
अ टेंट फ्लोट्स ऑन वाटर। टेंट जो है जो कैनवस से बना रहता है, क्या वो पानी में तैरता है? नहीं, पानी में नहीं तैरता है। हाउस बोट पानी में तैरता है। अ टेंट फ्लोट्स ऑन वाटर रॉन्ग है, तो यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया, एफ ए एल एस ई फॉल्स। अब यहाँ पर देखते हैं, ए हाउस इज अ प्लेस टू लिव इन। घर ऐसा जगह है जिसमें हम लोग रहते हैं। क्या ये करेक्ट है? ये बिल्कुल करेक्ट है। घर ऐसा जगह है यहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये ट्रू होगा। और हम लोग टी आर यू ई ट्रू लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। थ्री, फाइंड आउट सिक्स थिंग्स फ्रॉम द पजल दैट आर फाउंड इन ए हाउस। किसी भी घर में क्या क्या रहता है, वैसा सिक्स थिंग्स इसमें से खोज करके निकालना है। देखते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग खोज सकते हैं। सबसे पहले इधर से इधर देखेंगे, सबसे पहले इधर से इधर देखेंगे तो हम लोगों को विंडो पता चला। एक विंडो है, विंडो को सर्कल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद इसमें, इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद इसमें, इसमें रूफ, रूफ समझ में आ रहा है, आर डबल ओ एफ रूफ। रूफ मीन्स छप्पर, ऊपर में जो घर के ऊपर जो छप्पर रहता है उसको रूफ कहते हैं। उसके नीचे वाले लाइन को देखते हैं, इसमें कोई वर्ड आ रहा है कि नहीं जिस जो घर बनाने में यूज होता है। फ्लोर, फर्श बनाना भी उतना ही जरूरी है जितना रूफ बनाना। यहाँ फ्लोर आ रहा है, एफ एल डबल ओ आर फ्लोर। तो तीन तो मैं आपको बता दी बच्चों, अब इधर से देखेंगे और आपको तीन और खोजना है क्या हो सकता है। जैसे इधर से खोजिएगा तो वॉल हो सकता है, रूम हो सकता है। इसी तरह ये आपका होमवर्क है और आपको खोजना है कि और क्या बन सकता है। आप कोशिश कीजिएगा, इसमें तीन चीज और आराम से बन सकता है। घर क्या क्या चीज का बना रहता है? डोर, रूम, वॉल, विंडो, रूफ, फ्लोर। सिक्स थिंग्स आप लोग को मिल जाएगा। यही पेज 34 आपका होमवर्क है, आप बनाकर भेजिएगा। कुछ परेशानी होने से पूछिएगा। थैंक यू।